हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। हम इकोनॉमिक्स के लेसन 1 पर हैं। हम ऑलरेडी इस लेसन में पढ़ चुके हैं व्हाट इज इकोनॉमी एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स एज वेल एज इकोनॉमिक्स, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन। एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज पीपीसी, विच मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। आज के लेक्चर में हम कंडक्ट करने वाले हैं हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एज वेल एज मिस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्स। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, दैट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। अर्लियर हम लोग कंडक्ट कर चुके थे व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर की तीनों कंडीशंस आपको याद है ना? नहीं याद है तो इससे पिछले वाले दिन का लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। अभी के लिए कंटिन्यू करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस से। तो हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब बेसिकली था क्या, हमने जब इन प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था, तब भी मैंने आपको बताया था दैट हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है मेथड, प्रोसेस and the way to do the things, which means the two things. Very first is labor intensive techniques and capital intensive techniques. How to produce को हमने दो levels के अंदर categorize किया था, labor intensive as well as capital intensive। जैसा कि words खुद बता रहे हैं, labor intensive का मतलब होता है वो technique जिसमें labor या workers का ज़्यादा use होता है instead of technology। अदर साइड कैपिटल इंटेंसिव विच मीन्स कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ लेबर्स। लेबर्स होते हैं ऑफकोर्स, लेबर्स के बिना तो, वर्कर्स के बिना तो मशीनरी को ऑपरेट ही नहीं कर सकते, बट मोर वर्क इज़ बीन डन बाय द हेल्प ऑफ मशीनरीज ओनली। आई मीन जहाँ आपको एक काम को करने के लिए 5 वर्कर्स को लगाना पड़ता था लेबर इंटेंसिव में, वहीं एक मशीनरी और एक वर्कर ही सफिशेंट हो जाते हैं। तो इसके पहले एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। देखिए, अगर टेक्नोलॉजी, अगर इकोनॉमी में हम लेबर इंटेंसिव मेथड जो है वो यूज़ करने वाले हैं, तो हमारी जो एफिशिएंसी है दैट विल बी क्वाइट लो, क्योंकि वर्कर्स या यूँ कहें ह्यूमन बीइंग्स, उनकी एक कैपेसिटी होती है, उनका एक वर्किंग लेवल होता है, उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाना उनके लिए काफ़ी हैक्टिक हो जाता है। बट ऑन अ कॉन्ट्ररी साइड वी कम्स टू टेक्नोलॉजी और मशीनरी, तो उसके लिए रेगुलर आवर्स ऑफ वर्क भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। दे कैन कंटिन्यूसली वर्क फॉर मोर देन 12-15-18 आवर्स, लेकिन वर्कर्स के लिए वही 6 आवर्स का भी रेगुलर वर्क जो है वो बहुत ही ज्यादा हैक्टिक हो जाता है। अब बात करते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स की। तो अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो हमें क्या क्या एडवांटेजेस देखने मिलती है। सबसे पहला, हाई एफिशिएंसी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी कि हमारी वर्क करने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो जाता है, जो काम हम करते हैं वो करेक्ट होता है, उसमें ऑब्सोलेंस के या गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, इरेडिकेट हो जाते हैं। हाई स्पीड, हमारी स्पीड भी हाई हो जाती है, क्योंकि वर्कर एक घंटे शुरू शुरू में काम करते हैं तो बहुत एनर्जी से काम करते हैं, धीरे 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 उनकी एनर्जी ड्रेन होने शुरू करती है, जबकि मशीनरीज के साथ ऐसा नहीं है, उनकी स्पीड सेम रहती है, मेंटेन रहती है, इसीलिए हमारी जो वर्क परफॉर्मेंस है वो हाई रहती है। ऑल्सो गुड क्वालिटी, वर्कर्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस या उनकी एफिशिएंसीज अप एंड डाउन रहती है, लेकिन मशीनरी हर बार सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो आपको प्रोड्यूस करके देती है, विच मीन्स कि गुड क्वालिटी आपको, मेंटेन्ड क्वालिटी जो है आपको प्रोडक्ट की वो मिलती है इफ़ यू गो विद कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। तो अब देखते हैं कि पीपीसी कर्व पर, या यूँ कहें कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर, इस टेक्नोलॉजी का या इस हाउ टू प्रोड्यूस का क्या इफेक्ट आता है। देखिए, मैंने आपको इसमें कर्व ड्रॉ करके दिया है, जिसमें वाई एक्सिस पे मैंने गुड वाई लिया है और एक्स एक्सिस पे मैंने गुड एक्स लिया है। अगर मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसको हम कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, यानी पुरानी पद्धति भी कहते हैं, अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो हम ना तो गुड्स वाई में ही मैक्सिममली यूटिलाइज कर पाएंगे, 100 तक, 80 तक ही रहेंगे हम, और यहाँ गुड एक्स के अंदर भी हम 30 तक की ही यूनिट्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारा ये जो पीपी कर्व है ना, दिस कुनकेव शेप्ड कर्व, ये शिफ्टिंग राइटवर्ड्स, राइट साइड की तरफ में ये शिफ्ट कर जाएगा, और ये जो राइट साइड का शिफ्टिंग है ना,
हर एक जगह से इक्वल होगा, विच मीन्स कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा भी चेंज अगर आप करते हो तो आपकी जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स थी उसकी जगह पे आपको हर एक एरिया में आपका जो हर एक प्रोडक्ट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके अंदर आपको प्रोडक्शन एक्सीड करके मिलेगा। तो इसीलिए राइट साइड की शिफ्टिंग शो करता है। तो यही एक रीज़न है कि आपके लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स की जगह इकोनॉमी में आज की डेट में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स जो है उसको यूज़ किया जा रहा है या प्रेफर किया जा रहा है। मैक्सिमम जो कंपनीज हैं वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के ऊपर ही काम कर रही हैं। नेक्स्ट अप इज़ अ टॉपिक पीपीसी एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। दिस इज द प्रॉब्लम विच इज़ बीन रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है ये प्रॉब्लम। जिस तरीके से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी हिसाब से हम अपने गुड्स या प्रोडक्ट्स जो हमने प्रोड्यूस किए उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे। यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर इकोनॉमी में होता है इनकम का, तो जिसकी वजह से इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो इफेक्ट करेगी, वो सफ़र करेगी। कुछ इनकम ग्रुप्स की तो जो एक्सपेक्टेशंस है, यूं कहें कुछ लोगों की जो है इनकम्स वो तो हाई हो जाएंगी, ऑन अ कॉन्ट्ररी साइड कुछ लोग जो है वो सफरिंग्स में रहेंगे। जैसे कि अगर एक एग्जांपल मैंने लिया है कि रिच एंड पुअर, ये दो इंडिविजुअल्स का मैं एग्जांपल ले रही हूँ। एज मोर द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिच क्लास सो देयर विल बी अ राइज इन द सेविंग्स बट पुअर पॉपुलेशन विल हैव टू सफर। अगर हमारी जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं वो रिच इंडिविजुअल्स के साथ में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या रिच इंडिविजुअल्स को हम ज़्यादा इनकम देंगे तो हमारे पुअर इंडिविजुअल्स जो है वो क्या करेंगे, सफरिंग्स में आ जाएंगे, उनकी बेसिक नीड्स भी फुलफिल नहीं हो पाएंगी। और इसी वजह से रिच लोग तो सेविंग्स करते जाएंगे और वहीं पुअर इंडिविजुअल्स के लिए अपना बेसिक नीड्स भी जो है उसको फुलफिल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। सो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में इनकम का, दैट कॉजेज लॉट ऑफ प्रॉब्लम। तो अब ये देखते हैं कि ये जो इक्वल का इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका पीपीसी कर्व के साथ किस तरीके से कनेक्शन आता है। देखिए मैंने यहाँ आपके लिए दो गुड्स को लिया है। वाई एक्सिस पे मैंने लिया है एप्पल्स को एंड एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है वीट को। और मैंने सेम वे दो इनकम ग्रुप्स को लिया है, एक जो है आपका लोअर लेवल ऑफ पोटेंशियल्स, एक है मैंने आपका जो हायर लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स या हायर लेवल ऑफ पोटेंशियल दिखाया। ये हायर लेवल ऑफ जो पोटेंशियल है इसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रिच क्लास इंडिविजुअल है उनको इनकम जो है वो मैक्सिमम मिलती है और पुअर वालों को कम एक्सपेक्टेड है, यानी कि उनको कम इनकम मिलती है। और यहाँ लोअर लेवल पर मैं बोल रही हूँ कि रिच जो इंडिविजुअल्स हैं उनको और पुअर जो इंडिविजुअल्स हैं उनको, दोनों को ऑलमोस्ट सेम, या यूँ कहें कि पुअर इंडिविजुअल्स को जो है कहीं ना कहीं बढ़ा करके अगर हम इनकम देंगे तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। देखिए पीपीसी कर्व तो डेफिनेटली यही शो करेगा कि जैसे जैसे रिच क्लास इंडिविजुअल्स के पास में ज़्यादा पैसा आएगा वो उसी हिसाब से अपने लिए प्रोडक्शंस जो हैं, यूनिट्स जो हैं, वो आउटपुट जो है वो ज़्यादा खरीदना शुरू करेंगे। और ये जो चीज़ है हायर एंड लेवल ऑफ पोटेंशियल्स ये तभी एक्सीड कर जाएगा जैसे जैसे आपके इनकम के लोअर ग्रुप्स जो लोग हैं उनके पास से इनकम इनके पास में शिफ्ट हो जाएगी, यानी इनकी सेविंग्स बढ़ जाएगी। जब इनकी सेविंग्स बढ़ेगी, जब इनकी इनकम्स बढ़ेंगी, तो ये क्या करेंगे, ये डेफिनेटली क्या करने की कोशिश करेंगे, अपने जो खर्चे थे, अपने जो एक्सपेंसेस थे उनको भी क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, एक्सपेंडिचर्स को भी बढ़ा देंगे। और इसी वजह से जो आप चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो ना, प्रोड्यूसर्स के पॉइंट से प्रोड्यूस जो आप चीज़ें कर रहे हो उनकी कंजम्पशन भी ज़्यादा हो जाएगी। और एक कॉन्ट्ररी साइड अगर मैं लोअर लेवल पोटेंशियल की बात करूँ तो यहाँ पर रिच इंडिविजुअल्स को भी उतनी ही इनकम मिल रही है और पुअर को भी उतनी ही सेम इक्वल लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप करते हो इनकम का तो क्या होगा। तो देखिए पुअर इंडिविजुअल्स जो हैं वो भी अपनी बेसिक नीड्स को जो है सेटिस्फाई तो करेंगे। देखिए ये आपको यहाँ भी मानना होगा कि पुअर इंडिविजुअल्स जो है वो भी अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई तो करेंगे। सो पुअर क्लास के जो इंडिविजुअल्स हैं अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई तो करेंगे, लेकिन करेंगे किससे, उनकी जो पास्ट की सेविंग्स है या तो उनसे या फिर वो लोन लेकर के किसी से बोरोइंग्स करके तब अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। अब आते हैं एक ऑपोजिट कंडीशन पे, दैट इज लोअर लेवल ऑफ पोटेंशियल, यानी कि पुअर और रिच क्लास के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल होता है, तब क्या होगा, में क्या होगा कि जो पुअर क्लास है वो भी और जो रिच क्लास है वो भी, दोनों के दोनों अपने अपने जो इनकम्स हैं उनका यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही यूज करेंगे, ना कि एक्सीड करेंगे अपनी नीड्स को, ना ही मिस यूटिलाइजेशन करेंगे उन
इंक्रीज्ड इनकम लेवल्स को जो उन्होंने यूज किया है, क्योंकि इनकम्स ही लिमिटेड रहेगी तो सबके सब किस चीज की तरफ में दौड़ेंगे, अपनी बेसिक नीड्स के सेटिस्फैक्शन की तरफ ही रहेंगे। नेक्स्ट अप इज अ टॉपिक दैट इज पीपीसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इन द सिचुएशन वी वोंट बी एबल टू यूटिलाइज और कंप्लीट रिसोर्सेज, जो हमारे पास में कंप्लीट रिसोर्सेज हैं, जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हम पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं करते हैं, और इसीलिए हमें जो आउटपुट्स जनरेट होते हैं ना वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं होते हैं, या यूँ कहें जो हम पोटेंशियल आउटपुट जनरेट कर पाते हैं, कर सकते हैं उन रिसोर्सेज का कंप्लीट यूटिलाइजेशन करके, वो हमें पूरा नहीं मिलता है। See, this is our PPC curve which shows the underutilization of resources. यहाँ x axis के अंदर मैंने good x को लिया है और y axis के अंदर good y को लिया है, and this is our curve that is PPC. अब इसके अंदर मैंने दो पॉइंट्स लिए हैं, दीज आर आर पोटेंशियल आउटपुट्स। अगर हम अपने रिसोर्सेज का कंप्लीट और अच्छे से यूटिलाइजेशन करते हैं तो हमें ये जो पॉइंट्स हैं वो अचीव होते हैं, लेकिन ऑन अ कॉन्ट्ररी साइड, लेकिन अगर हम अपने रिसोर्सेज का कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, तो हमारे जो आउटपुट्स हैं दे विल लाई समवेयर हेयर बट नॉट ऑन दिस लाइन, जो हमारी पोटेंशियल आउटपुट्स की लाइन है इसके ऊपर लाई नहीं करेंगे, वो कहीं ना कहीं इससे नीचे लाई करेंगे। This is going to be our last topic, that is PPC and growth of resources. See, इसमें हम ये discuss करेंगे कि अगर हमें new resources जो है economy में वो discover होते हैं तो हमारी economy की growth होती है। कैसे होती है? This can be shown by shifting right side of PPC curve. PPC curve का right side पर shift जो है वो इस चीज़ को show करता है, right direction की तरफ में PPC curve का movement होता है, और इस चीज़ को हम तब attain कर पाएंगे जब हमारा जो potential output है, जो लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट है उसको हम डेफिनेटली हाई करें, या हम जो न्यू रिसोर्सेज, हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज भी थे उससे भी हम एक पोटेंशियल आउटपुट को अपना गेन कर पा रहे थे, लेकिन अब जब हमारे पास न्यू रिसोर्सेज जनरेट होकर के आएंगे तो उससे हमारा जो पोटेंशियल आउटपुट है वो डेफिनेटली हाइक लेगा। एंड टू शो दिस वी जस्ट हैव आवर पीपीसी कर्व ओवर हियर। Now see, this is our PPC curve which shows कि x axis के ऊपर और y axis के ऊपर ये हमारे पास में पहले old resources थे, जिससे कि हम अपना potential output यहाँ generate कर पा रहे थे, ये वो potential output curve है जो हम actually generate कर पा रहे थे। इसके ऊपर जितने भी points आप लाए करोगे वो सारे आपके maximum utilization of resources के कुछ examples होंगे, but if we show the new resources are found in our economy, जैसे जैसे हमें new resources हमारी economy में found होते हैं तो हम उनको भी utilize अगर करेंगे और हमारे potential level, जो हम potential level के ऊपर काम कर रहे थे पहले, उसी तरीके से fuller utilization of resources अगर हम करते हैं तो हमारा output क्या होगा, generate होगा और ज़्यादा exceed करेगा और वो increase कर जाएगा, increase in the level of आउटपुट, हमारा आउटपुट लेवल जो है डेफिनेटली क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और इस इंक्रीज्ड लेवल ऑफ आउटपुट की वजह से हमारा जो पोटेंशियल लेवल था आउटपुट का वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, पोटेंशियल हमारा जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज कर जाएगा। सो व्हाट वी हैव डिस्कस टुडे स्टूडेंट्स, हाउ टू प्रोड्यूस व्हिच शोज लेबर इंटेंसिव एज वेल एज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अप इज पीपीसी एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इस टॉपिक में हमने इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात किया, विच मीन्स रिच इंडिविजुअल्स एज वेल एज पुअर इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट अप इज पीपीसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दिस शोज कि हमारे पास जो रिसोर्सेज थे हम उनका भी ठीक तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे तो हमारा जो पोटेंशियल आउटपुट है वो डिक्रीज कर जाएगा, डिक्लाइन कर जाएगा। एंड द लास्ट वन इज द ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, विच मीन्स कि अगर हमारे पास में न्यू रिसोर्सेज हमें डिस्कवर होते हैं और हम उनको पोटेंशियल लेवल के साथ ही, पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट के साथ ही जनरेट करेंगे ठीक तरीके से, तो हमारा जो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट है वो इंक्रीज कर जाएगा। दैट्स इट फॉर द डे।